होडल अपराध जांच शाखा पुलिस ने घरेलू सामान की आड़ में कैंटर में लाई जा रही 58 पेटी शराब सहित एक आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत भेजकर रिमांड पर लिया है। यह शराब गुरुग्राम से बिहार की ओर ले जाई जा रही थी, जिसे मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने पकड़ लिया। होटल में घरेलू सामान व अन्य सामान के साथ कैंटर में छुपाकर 58 पेटी अंग्रेजी शराब की गुरुग्राम से बिहार की ओर तस्करी के लिए ले जाई जा रही थी। मुखबिर की सूचना पाकर अपराध जांच शाखा होटल टीम ने इस शराब को बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। आरोपी की पहचान वाहिद के रूप में हुई है। आरोपी को अदालत में पेश कर पुलिस ने रिमांड पर लिया है। होडल अपराध जांच शाखा प्रभारी जंगेश्वर सिंह ने बताया, रिमांड के दौरान आरोपी ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि कैंटर के मालिक ने यह शराब की पेटियां कैंटर में रखवाई थीं। इस मामले में पुलिस कैंटर के मालिक के खिलाफ भी कार्रवाई कर उसे जल्द गिरफ्तार करेगी। सर, ये जो शराब आरोपी पकड़ा है, कहां से पकड़ा है और कितनी शराब बरामद की है? ये सर 14 तारीख को हमारे सामने व्यक्ति वाहिद है, वाहिद थाना कोसीदी चौखा थाना तिरुमालू का रहने वाला है सर, और ये कैंटर में शराब लेके जा रहा था सर। कहाँ लेके जा रहा था? बिहार में सर, गुड़गांव से। कितनी शराब थी इसमें सर? 50 पेटी तो इंपीरियल ब्लू की थी सर, और 8 पेटी सिग्नेचर की, टोटल 696 बोतल शराब की थी सर। सर किस चीज़ में दुबका के ले जा रहा था? सर ये घरेलू सामान था, और कुछ ये साइन बोर्ड थे सर इसके अंदर सर, तो साइन बोर्ड थे उनमें छुपा के लेके जा रहा था सर। तो आपको किस तरीके से पता लगा? सीक्रेट इन्फॉर्मेशन पे इसको काबू किया था सर, और इसके खिलाफ हमने 164वीं सब्सेक्शन एक्ट और 420 के तहत मुकदमा दर्ज किया था। 2 दिन का इसका पुलिस रिमांड था सर। क्या पहले भी ऐसी काम करता था सर? अभी सर इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं आया सर, अभी 2 दिन का इसका पुलिस रिमांड था सर, और पुलिस रिमांड पर लेके इसको सर अभी पूछताछ की गई है सर। तो इसने बताया कि जो इसका जो कैंटर का मालिक है अशोक, बिहार का रहने वाला है, गुड़गांव का अरुण, उसने ये शराब लोड की थी सर। तो सर आज इसको माननीय अदालत में पेश किएंगे सर। सर अकेले थे ये? अभी तो इसमें कैंटर मालिक के खिलाफ भी दूसरा मामला दर्ज किया। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सर, इसका अभी डिस्क्लोजर लिखा है। डिस्क्लोजर में नाम इसके जो मालिक है अरुण है, ये गुड़गांव का रहने वाला है, तो उसकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। बिल्कुल सर, जल्द गिरफ्तार करेंगे।